हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है गाइस, नाज किचन से कुक विद नजराना नवाब। आज मैं दही बड़े बनाने वाली हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, और ये है हमारा दही बड़े बनाने का इंग्रेडिएंट्स। उड़ीद दाल लिया है मैंने, 250 ग्राम उसे भिगो लिया था। हरा मिर्च बारीक काट लिया, चीनी, दही, इमली, काजू और किशमिश, जीरा और मेथी, चाट मसाला। दही को एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हम उसे जार में ग्राइंड कर ले रहे हैं। अब हम इसमें निकाल रहे हैं। अब देख रहे हैं कितना स्मूथ दिख रहा है, हमें ऐसा ही चाहिए। जार में हमने दही का एक स्मूथ पेस्ट तैयार किया था, उसी जार में हम उड़ीद दाल डाल लेंगे। उड़ीद दाल का स्मूथ पेस्ट तैयार है। उड़ीद दाल का स्मूथ पेस्ट हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। मीठा चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इमली भिगोया हुआ, चीनी, मेथी दाना और पानी। सबसे पहले हम जार में इमली डाल रहे हैं और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। मोती का एक कपड़ा लिया और इसमें इमली का पेस्ट डाल रहे हैं और इसे हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। एकदम रेडी है गाइस, आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। हम इसमें तेल डाल रहे हैं, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। अब हम इसमें मेथी दाना डाल रहे हैं। मेथी दाना लाल हो चुका है गाइस, और हम उसमें इमली पानी ऐड कर रहे हैं और चीनी इसमें ऐड कर रहे हैं। एक बाउल मैंने चीनी लिया था, जितना इमली लिया था उतना ही। अब हमें इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है। इसका कलर चेंज हो रहा है गाइस, आप देख रहे हैं थोड़ा डार्क हो रहा है, और हम इसे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होने तक इसे पकाएंगे। गाइस आप देख रहे हैं इसका कंसिस्टेंसी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और ठीक हो जाएगा, इसलिए हमें इसी तरह रखना है। तो मैंने एक बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा और चीनी ऐड करेंगे। बॉईल हो चुका है गाइस, और हम इसमें एक चम्मच चीनी डाल रहे हैं। बस हम इसमें ज़ीरा ऐड कर रहे हैं और इसे 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। ज़ीरा पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें वड़ा फ्राई करके इसमें डालेंगे। अगर आपको भी चेक करना है कि आपका वड़ा हल्का होगा कि नहीं, तो आपको इस तरह से छोटा सा एक मतलब बैटर लेना है और उसे इस तरह से इसमें, अगर ये ऊपर आ जाएगा इसका मतलब आपका वड़ा बनने के लिए तैयार है। बैटर में थोड़ा सा मिर्च डाल रहे हैं, काजू डाल रहे हैं और किशमिश डाल रहे हैं, और हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं और हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। दोनों हाथ मैंने पानी से भिगो लिया है, आप देख रहे हैं गाइस हाथ में चिपक नहीं रहा है। और हमें इसी तरह से छोटा छोटा राउंड शेप बना के और उसमें डालना है। ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा गाइस, अगर आप पानी यूज़ करेंगे तो। कढ़ाई गर्म हो चुका है और हम इसमें तेल डाल रहे हैं। तेल गर्म हो चुका है गाइस, और अब हम इसमें अब देख रहे हैं गाइस, ये बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका। अब हम इसे निकाल रहे हैं गाइस, ये दोनों साइड
हो चुका है, इन दोनों का भी अच्छा कलर आ चुका है गाइस, और हम इसे निकाल रहे हैं। हमारा वड़ा रेडी हो चुका है गाइस, अब हम इसे जीरा पानी में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पहले से एक डाल के देखा था, अभी हम सारा इसमें डाल रहे हैं। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे गाइस। इसका कलर बहुत लाइट हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट बना है वड़ा। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। यहाँ पे हम दही डाल रहे हैं, दही को ज़्यादा पतला नहीं करना है गाइस। चाट मसाला डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, गाइस अब हम इसमें काला नमक ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे इमली का चटनी। गाइस आप देख रहे हैं वड़ा एकदम सॉफ्ट बना है, देखिए कहीं से भी काट रही हूँ ये आराम से कट रहा है। गाइस अगर आपको ये दही वड़ा का रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नाज किचन, आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।